हाय, वेलकम टू वी एल लर्नर्स। मैं रचना। हम आपके लिए ऑनलाइन ट्यूशन शुरू करें जिसमें क्लास 10 मैथ्स के सारे चैप्टर्स रेगुलर अपलोड करेंगे। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं। मोरओवर, हर वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका कमेंट में रिप्लाई जरूर करें। उनके आंसर्स आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं लास्ट वीडियो में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर्स। अब हम पढ़ेंगे द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा गिवन पॉलिनोमियल है 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। यहाँ वेरिएबल देखिए क्या है, वेरिएबल है x, दैट मीन्स दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो x हमारा वेरिएबल है, सो मैं इसको x को विद इन ब्रैकेट लिखूंगी। सो नाउ दिस इज p ऑफ x। सो लेट p ऑफ x इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। अब इस पॉलिनोमियल का हम वैल्यू निकालेंगे। जब हमारा जो x है वेरिएबल, उसकी वैल्यू 1 हो, तब क्या होगी इसकी, हमारे गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू 1। p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू, इस पॉलिनोमियल में जहां भी x लिखा है उसको मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगी 1 से। सो दिस इज 5 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर इज 1, 1 इंटू 5 इज 5 माइनस 6 प्लस 1। सो दिस इज माइनस 6 एंड प्लस 6, देयरफॉर p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहां हमें क्या मिला है, दिस इज द वैल्यू ऑफ p ऑफ x एट x इज इक्वल्स टू 1 इज 0। हमारे गिवन पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 होता है जब x की वैल्यू 1 होती है। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 0। इसका मीनिंग यही होता है, द वैल्यू ऑफ p ऑफ x एट x इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू 0। मैंने x की जगह 1 लिख दिया है और वैल्यू जो भी मुझे मिली है उसके साथ मैंने इसको इक्वल्स टू 0 लिख दिया है। अब चलिए हमारे गिवन पॉलिनोमियल की एक और वैल्यू निकालते हैं व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 0। जब एक्स की वैल्यू 0 होगी तब हमारे गिवन पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू होती है। सो दिस इज पी ऑफ 0 इज इक्वल्स टू, मैं जहां भी एक्स है उसको रिप्लेस कर दूंगी 0 से। सो 5 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 0 प्लस 1। सो दिस इज इक्वल्स टू 0 स्क्वायर इज 0, 0 इंटू 5 इज 0 माइनस 0 प्लस 1, देयरफॉर p ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1। तो ये क्या है, ये मेरा मिला है द वैल्यू ऑफ p ऑफ x एट x इज इक्वल्स टू 0 इज 1। हमारा गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू मुझे 1 मिली है जब मैंने x की वैल्यू क्या ली है, 0 ली है। मैंने यहाँ x की दो डिफरेंट वैल्यूज ट्राई की है और मुझे पॉलिनोमियल जो हमारा गिवन है उसकी दो डिफरेंट वैल्यूज मिली है। अब देखते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का डेफिनेशन हमारे जो है वो है ये कि इफ p ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल इन x, वेरिएबल है x हमारा यहाँ, इफ k इज एनी रियल नंबर, के कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है, जैसे हमने इस केस में 1 लिया है और 0, 1 और 0, 0 दोनों रियल नंबर है। द वैल्यू ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग एक्स बाई के इन पी ऑफ के इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ पी ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू के। हमने जो वैल्यू रिप्लेस की है उसकी एक्स इज इक्वल्स टू के, एक्स की हमने जो वैल्यू लिखी है उस पर हमारा जो पॉलिनोमियल है उसकी हमारी क्या वैल्यू मिलती है, इसी को हम डिनोट करते हैं पी ऑफ के से। तो पी ऑफ के का मतलब हो गया द वैल्यू ऑफ पी ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू के। अब यहाँ देखिए एक स्पेशल चीज है, वो ये है कि हमारे जो भी वैल्यू हम एक्स की लेते हैं उस वैल्यू को यदि हम अपने गिवन पॉलिनोमियल में सब्सटीट्यूट करते हैं और हमारे गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू यदि 0 आ जाए तो इस एक्स की जो वैल्यू है इसको हम कहते हैं 0 और रूट ऑफ द पॉलिनोमियल।
इस एक्स की वैल्यू को कहेंगे हम रूट ऑफ द रूट और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज दैट वैल्यू ऑफ एक्स दैट मेक्स द पॉलिनोमियल इक्वल्स टू जीरो. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स, राइट. अ रियल नंबर के इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इफ p of k is equals to 0. और ये p of k is equals to 0 है, इसका ये क्या है? This is the value of the polynomial p of x at x is equals to k is 0. ये जो हमने वैल्यू में अभी लिखी थी सेंटेंस, ये वही सेंटेंस है, राइट. और यहां क्या हो गया? p of k is equals to 0. यहां जो k है, this is also called a root of the equation p of x is equals to 0. इसको root भी बोलते हैं और इसको 0 of the polynomial भी कहा जाता है. आइए अब सीखते हैं finding of 0 of a polynomial. एक polynomial का हम 0 कैसे निकाल सकते हैं? Suppose हमारा जो given polynomial है, वो है p of x is equals to x minus 1. ये हमारा given polynomial है. अब इसका हम zero कैसे निकालेंगे? इसका zero निकालने का बहुत आसान तरीका है. This is solving the polynomial equation p of x is equals to 0. क्योंकि देखिए, हमारा जब zero polynomial हम निकालते हैं, तो हमारा value given polynomial की क्या हो जाती है? Zero हो जाती है. उसी चीज को हम यहाँ use करेंगे. यहाँ p of x is equals to 0 जो है, ये polynomial equation है. देखिए, हम equation किसको बोलते हैं? जहाँ equate होती है दो चीजें. यहाँ equal के sign है, so this is p of x is equals to 0. ये एक polynomial equation है. इसको solve करने से हमें 0 of the polynomial मिल जाएगा. अब देखिए, हमने p of x क्या लिया है? X is equals to 1. तो चलिए, हमने p of x की जगह मैं लिख देती हूँ x minus 1, which is equals to 0. Therefore, x is equals to 1. तो ये मुझे मिल गया 0 of the polynomial. किस polynomial का? इस polynomial का 0 मुझे यहाँ मिल गया. ये है 0 of p of x. ये x की ये value मुझे मिल गई. और कैसे मिली? मुझे polynomial equation सिर्फ solve करना पड़ा है. ये बहुत simple है. जो भी हमारा equation है, equals to 0 कर दीजिए और जो भी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, वही हमारा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है. आइए अब बात करते हैं zeros ऑफ द पॉलिनोमियल के. डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं, उनके जो डिग्रीज पे जो हम टाइप डिसाइड करते हैं, क्लासिफिकेशन जो है उनके, हर पॉलिनोमियल का अपना एक नंबर ऑफ जीरोज होते हैं, वो कितने होते हैं उसके बारे में सीखते हैं. अब देखिए, जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, लीनियर पॉलिनोमियल, फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ ट्वाइस एक्स प्लस 5, दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल. यहाँ जो हाईएस्ट पार ऑफ द वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल मेरे पास एक ही है और वो है एक्स, और उसके पार है 1, सो इसकी डिग्री हो गई 1. तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? इस तरह के जो पॉलिनोमियल है, ये कौन सा टाइप का है? ये है ए एक्स प्लस बी. ये इसका जनरल फॉर्म है. इस तरह के जितने भी पॉलिनोमियल्स होते हैं, इसका एक ही जीरो होता है और वो है, दे हैव ओनली वन सिंगल जीरो. नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हम उसको बोलते हैं जिनकी जो डिग्री होती है वो टू डिग्री जो होती है. जैसे उसका जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री देखिए 2 है, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? एट मोस्ट 2. इसका जीरो नहीं भी, इसका कोई जीरो हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है. तो इसका मतलब ये हो गया कि जो डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल होता है, उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होते हैं उस पॉलिनोमियल के, एट मोस्ट में है. नाउ क्यूबिक. क्यूबिक की जो डिग्री होती है वो 3 है. इसका अटमोस्ट नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो है 3. दैट इज 1 भी, 0 भी हो सकता है, मैंने कोई इसका जीरो नहीं भी हो सकता,
वन टू और थ्री। सिमिलरली बाई क्वाड्रेटिक जो होता है जिसकी डिग्री फोर होती है उसका अटमोस्ट नंबर ऑफ जीरोस फोर होता है। अब इसका से हम एक जनरल तरीका निकाल सकते हैं कि हमारा जो पार हमारी जो डिग्री होगी जो भी पॉलिनोमियल की हमारी जो डिग्री होगी यदि एन डिग्री है तो हमारे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे एटमोस्ट एन होंगे। अब हम देखते हैं कि हमारे कांस्टेंट जो पॉलिनोमियल्स होते हैं नॉन जीरो कांस्टेंट की मैं बात कर रही हूँ, मैं जीरो को छोड़ के जितने कांस्टेंट नंबर्स कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ 9 इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल, सिमिलरली 5 ये भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जीरो होती है कैसे, देखिए मैं लिख सकती हूँ 9 इज इक्वल्स टू 9 इंटू 1। अब इसको मैं लिख सकती हूँ 1 की जगह मैं लिख सकती हूँ x रेस टू द पावर 0, एनीथिंग रेस टू द पावर 0 का मतलब हो जाता है 1। अब यहाँ देखिए हमारी डिग्री क्या है, हमारी डिग्री है x की हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, ये तो हमारी डिग्री है, और इसकी देखिए जो पावर है x की वो है 0, इसका मतलब इसके कांस्टेंट के कोई भी 0 नहीं होता है, माने कांस्टेंट को हम 0 उसका कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिससे x की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो वहाँ सब्स्टिट्यूट करने से उसको उस गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाए। अब देखिए इसका मतलब यह होता है कि x के जगह मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ, फॉर एग्जाम्पल यदि मैं x की जगह यहाँ 5 लिख देती हूँ तो 5 रेज टू द पावर 0 यदि मैं लिख देती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, तो ये वापस 9 इंटू 1 हो गया, इसका मैंने वापस मुझे कांस्टेंट वापस नंबर वापस मिल जाएगा, तो इसका मैंने ये 0 कभी भी नहीं होगा। अब एक और होता है कि ये तो हमने बात की है नॉन जीरो कांस्टेंट की, अब हम बात करेंगे वो कांस्टेंट जो 0 होता है, इसको हम 0 पॉलिनोमियल कहते हैं 0, ये भी तो 0 भी तो एक कांस्टेंट है, अब इसकी हम बात करते हैं। अब देखिए 0 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 0 को मैं लिख सकती हूँ 0 इज इक्वल्स टू 0 इंटू एक्स रेज टू द पावर 0, क्योंकि 0 के साथ मैं कुछ भी मल्टीप्लाई करूँ वापस वो 0 हो जाएगा। तो इसकी अब देखिए इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है x की जो x हमारा वेरिएबल है x की पावर कितनी है, जो पावर कितनी है x की पावर है 0, तो इसकी डिग्री हो गई 0। अब 0 का एक और भी हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 इज इक्वल्स टू 0 इंटू एक्स रेज टू द पावर 5, राइट, क्योंकि x किसी भी चीज़ के साथ मैं 0 मल्टीप्लाई करूँगी आई विल गेट बैक 0, ये वापस मुझे 0 मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है 5 दिस टाइम, ये मैं और भी ले सकती हूँ, फॉर एग्जाम्पल 0 के साथ x रेज टू द पावर 6 यदि मैं लेती हूँ तो ये वापस 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ x की डिग्री क्या है, यहाँ x की डिग्री है 6, तो इसका मतलब ये हो जाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है इसकी डिग्री जो है ये नॉट डिफाइंड है, कभी ये 0 हो रहा है, कभी ये 5 हो रहा है, कभी ये 6 हो रहा है, तो इसकी डिग्रीज हर बार बदल रही है, इसीलिए इसको कहते हैं नॉट डिफाइंड। दूसरा तरीका से इसको ये भी कहा जाता है, देखिए इसकी 0 भी इसकी डिग्री है, 5 भी इसकी डिग्री है, और 6 भी इसकी डिग्री, हम जो भी लिखेंगे वो इसकी डिग्री हो जाएगी, क्योंकि x के ऊपर हम कुछ भी लगा दें फाइनली यदि मल्टीप्लाई 0 से मैं करूँगी आई विल गेट बैक द 0। तो इसका मतलब इसको एक वे और है लिखने का, उससे ये भी कहा जाता है कि एवरी रियल नंबर इज द डिग्री ऑफ दिस 0 पॉलिनोमियल। आइए अब हमने इतने जीरोज़ की बात कर ली, मेरे हिसाब से शायद आप कंफ्यूज हो गए होंगे, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं पर इसमें सारे में जीरोज़ हैं, मैं आपको एक एक पॉइंट इसका समझाती हूँ। तो चलिए पहला पॉइंट हमारा ये है, दिस इज टू नोट डाउन, कि जीरो और रूट ऑफ द पॉलिनोमियल हम जिसको कहते हैं वो आखिर क्या चीज है। जीरो और रूट ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज द वैल्यू ऑफ x दैट मेक्स द पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 0, ये x की वो वैल्यू है जिससे हमारा जो गिवन पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू इक्वल हो जाती है, सो ये वैल्यू ऑफ द वेरिएबल x है।
जैसे कि हमने पहले केस में लिया था, एक एग्जाम्पल में हमने लिखा 5x² - 6x + 1, इसमें जब हमने x की वैल्यू 1 लगाई थी हमारे गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई थी। तो ये जो x की वैल्यू है इसको हम कहते हैं 0 और रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। सेकेंड पॉइंट हमारा है कि डिग्री ऑफ नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो 0 होती है। नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल कैसे हो गया, वो कॉन्स्टेंट जो 0 को छोड़ के हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिया था 9, अब हमने कैसे बताया था कि इसकी डिग्री 0 है, 9 के साथ x रेस टू द पावर 0 किया था, और ये जो 0 यहाँ आया है ये देखिए डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, और ये मुझे 0 मिला। सो इसकी डिग्री ऑफ नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल 0 होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल होता है उसको हम, जो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल 0 कॉन्स्टेंट जो होता है, अभी तक तो जो हम लोग प्रीवियसली जो बोले थे वो नॉन जीरो कॉन्स्टेंट था, नाउ दिस इज कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल 0, जो स्पेशली जो 0 होते उसको हम 0 पॉलिनोमियल ही बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल जो होता है, जो जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो नॉट डिफाइंड होते, इसको हमने आपको बताया था, क्योंकि जीरो के साथ में कोई भी एक्स रेस टू द पावर कुछ भी लिख सकती हूँ और उसका सबका देखिए अलग अलग डिग्रीज मिलेगी, इसीलिए इसको नॉट डिफाइंड बोलते हैं। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, इसको एवरी रियल नंबर इसका जीरो हो सकता है। जीरो पॉलिनोमियल दैट इज जीरो पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है, एवरी रियल नंबर हो सकता है। देखिए एक्स रेस टू द पावर 0, 5, 6, तो ये सब इसकी क्या है, डिग्रीज है, तो इसके एवरी रियल नंबर इसकी डिग्री हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो। हम लोग जो रूट बोलते हैं, रूट और जीरो जो भी बोलते हैं, जो भी आप इसको समझ लें, रूट और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जो होता है ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ एक्स की वैल्यू जीरो हो। जैसे कि हमारे पहले केस में हमने सॉल्व किया था, ये देखिए ये जो हमने पॉलिनोमियल से हमने इसका जो वैल्यू निकाली थी, वैल्यू हमारी जीरो आई थी, बट देखिए हमारी एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स की वैल्यू तो हमारी 1 थी ना, तो ये देखिए ये जीरो हमारा जीरो नहीं भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट है कि जो जीरो होता है, जीरो ऑफ एनी पॉलिनोमियल जीरो भी हो सकता है। कैसे, सपोज हमारा ये गिवन पॉलिनोमियल है, इसमें यदि मैं एक्स की वैल्यू जीरो लगा देती हूँ और यहाँ जहाँ भी एक्स है उसको सब्स्टिट्यूट में जीरो करती हूँ, तो यदि मेरी पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाती है तो देखिए जीरो मे बी द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। आइए अब देखते हैं आज के सवाल। आप जल्दी से कमेंट में इनके रिप्लाई करें, मोरओवर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं, सो दैट आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। सो आज के लिए यहीं तक, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।